युग। थैंक यू युग। ये तो होना ही था कली, कहा था मैंने तुमसे मत दिए जाओ बलिदान पे बलिदान, देख लिया नतीजा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं युग? बात खुश होने वाली भी नहीं है कली, चीजें इस लेवल तक खराब हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोचो अगर टाइम रहते मुझे पता ना चलता तो क्या होता? मुझे तो सोच के भी डर लगता है। डर तो हमें भी लग रहा था युग, पर हम क्या कर सकते थे? टू स्टार्ट विथ खुद को थोड़ी रिस्पेक्ट दिया करो। इस तरह कभी अपने बड़के पापा की वजह से, कभी गौरी की वजह से लोगों को अपनी जिंदगी के साथ खेलने मत दो। ऐसा नहीं है युग, हमें भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और रही बात दूसरों को हमारी जिंदगी से खेलने देने की, तो हमें अपने राम जी पर पूरा भरोसा है। अगर हमारे दिल में सच्चाई है ना युग, तो वो हमारे साथ कभी भी किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने दे सकते। अच्छा तो आज कहाँ थे तुम्हारे राम जी जब तुम्हारी शादी एक चोर के साथ होने जा रही थी? आई क्यों नहीं? आपसे किसने कहा राम जी नहीं आए? मंजी माँ से कहना हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। आज पढ़ के पापा ने हमसे माफी मांगी, इसका मतलब उनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं। देखना जल्दी वो दिन आएगा जब बड़के पापा अपने काला टीका वाले अंधविश्वास को भी तोड़ देंगे। आई होप उनका अंधविश्वास टूटने तक तुम सही सलामत रहो। और बताइए इसमें से असली कौन सा है? ये तो हमारी गौरी की पत्री है और ये दूसरी कुंडली। दूसरी पत्री किसकी है? पता नहीं, नाम भी मिटा हुआ है। क्या नाम? बड़ा मुश्किल है। झूठ मत बोलिए झा बाबू। हम और झूठ बोलेंगे और वो भी आपसे? ईश्वर की सौगंध खा के कहते हैं इस पत्री के बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या है कि हमारे पुरोहित जी बहुत सी कुंडलियां बनाते रहते हैं, घड़ी होके चली गई होगी साथ में। अगर ऐसा है तो हम गौरी को अपने साथ लेकर जाए, सच्चाई साबित करने के लिए इसको भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। बेटी की ससुराल में आवाज थोड़ी नीची और सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं, और हमको बहुत अच्छी तरह पता है हम क्या कर रहे हैं। पंडित जी हवन की तैयारी कीजिए। जी। जिसका सूर्य उच्च का हो वो जातक अगर शुक्र की अंतर दशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा के दौरान आर्द्र नक्षत्र के चौथे चरण में अगर अग्नि पर से भी गुजर जाए ना,
तो अग्नि भी उसका बाल बाका नहीं कर सकती। और वो चरण 9:21 पर शुरू होने वाला है और उसी के साथ प्रारंभ होगी इसकी अग्नि परीक्षा। अगर ये कुंडली वही है जो झा बाबू हमको दिए थे तो अग्नि तो इसका बाल भी बाका नहीं ना करेगी, लेकिन अगर नहीं है तो भस्म। हम ये सब नहीं कर सकते। गौरी तुझे कुछ नहीं होगा, बस राम जी को प्रे कर, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। बड़के पापा प्लीज कुछ करिए, अगर अगर गौरी को कुछ हो गया तो। आपके साथ ये पहले भी हो चुका है बड़के पापा, आपको पता है कितनी तकलीफ हुई थी आपको। बड़के पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, प्लीज कुछ करिए बड़के पापा, सच को स्वीकार कर लीजिए। डार्लिंग जी प्लीज डू समथिंग, चौधराइन जी तो हमारी पुच्ची पाई को एकदम बहने करने पे लगी हैं। बड़के पापा आप युग को फोन। बड़के पापा प्लीज चौधराइन जी को पूरा सच बता दीजिए, इसी में भलाई है। बड़के पापा जल्दी कुछ सोचिए वरना गौरी को आग में जलना पड़ेगा। एक तरीका है। क्या? तुम वही करो जो तुम आज तक करती आई हो, तुम गौरी की जगह ले लो। यही होना था नकचड़ी बिल्ली के साथ। हम तो कहते हैं अच्छा है कि रिश्ता टूट जाए, हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। हाँ वैसे एक बात कहें, ये तो एक तीर से तीन शिकार हो जाएंगे, टाइम भी पास हो जाएगा, ये रिश्ता भी टूट जाएगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। समझी कि समझाएं? युग को फोन करें या नहीं करें, क्या करें? हम युग को मैसेज कर देते हैं। ये मिथिला का ट्रैफिक भी ना दिन पर दिन बढ़े ही जा रहा है। बचपन से तुमने गौरी की रक्षा की, आज हमारी खातिर तुम उसकी तकलीफ अपने सर पे ले लो। देखो हमारी फूल सी प्रिंसेस इस आग में झुलस जाएगी। देखो बत्री तुम्हारी है, तुम्हारा भाग्य बड़ा प्रबल है, घूंघट ओढ़ो और इन शोलों पर चल जाओ। देखो सोचने का मौका नहीं है, तुम्हें ये करना होगा। काली काली प्लीज, हमसे ये नहीं होगा। प्लीज हमारी शादी टूटने से बचा लो प्लीज। गौरी ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी। माने हम सही थे, गलत पत्री गलत लड़की। सच सच बता, पत्री गौरी की है या नहीं? नहीं।